वेलकम स्टूडेंट इन सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल लेक्चर क्लास 7 सोशल साइंस टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लेट अस लर्न मीनिंग ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। टेम्परेचर का मीनिंग क्या है, हीट क्या है उसका मीनिंग क्या है और एटमोसफेयर क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। मीनिंग ऑफ एटमोसफेयरिक आइसोलेशन मीन्स तापमान का जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है उसके बारे में अपन जानेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। द हीटिंग अप ऑफ एयर, एयर में जो है हीट जो होती है उसके बारे में अपन जानेंगे कि वायु किस प्रकार से गर्म होती है क्या है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। हम जो है कभी कभी गर्मी और ठंडा महसूस करते हैं, वो सीज़न के कारण होता है, जो सीज़न चेंज होते हैं उसके कारण ऐसा होता है। नॉर्मली क्या होता है कि एयर जो है कभी कभी गर्म होती है, कभी कभी ठंडी होती है, इस कारण जो है हमें ठंडा या गर्म महसूस होता है। हीट जो होती है एयर में उसे हम टेम्परेचर कहते हैं, मीन्स जो तापमान होता है, जो एयर में जो हीट होती है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर जो है पर्टिकुलर प्लेस पे अलग अलग होता है और कहीं पे हॉटनेस होती है, कहीं पे कोल्डनेस होती है, उसे डिग्री में जो है शो किया जाता है। जो जिससे टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, नापा जाता है, उसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर जो है उसमें सेंटीग्रेड और सेल्सियस में टेम्परेचर को शो किया जाता है। इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, हम जो है सीज़न के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानकारी करते हैं। हम जो है इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट, इसके जो मुख्य तत्व है उसके बारे में बात करते हैं, वो है टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, क्लाउड है, रेन, इन सब के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो टेम्परेचर है और अदर फैक्टर भी है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हाउ द एटमॉस्फेयर गेट्स हीट, एटमॉस्फेयर में जो हीट कहाँ से आती है, गर्मी कहाँ से आती है। अर्थ में जो है एटमॉस्फेयर जो हीट है वो सन से प्राप्त करता है। हम जानते हैं कि सन जो है एक हॉट जो गर्मी है उसका जो है एक ऐसा भंडार है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता है और वो एक बड़ी बॉल के समान होता है जिसमें कि अंदर आग जलती रहती है, इसलिए इसे सोलर आइसोलेशन भी कहते हैं। गर्मी का जो है विकिरण वाला या क्षेत्र है उस कहा जाता है। सूर्य की रेज जो है एटमॉस्फेयर में जब पहुंचती है तो जिस लेयर में वो पहुंचती है वहाँ पर गर्मी होती है। सन की किरणें जो है डायरेक्ट कभी कभी डायरेक्ट सरफेस पे आती है, जो पृष्ठ होता है उस पर आती है और गर्मी प्रदान करती है। कभी कभी जो है वो स्लो आती है या जो है रेडियस से हॉरिजॉन्टल आती है, वर्टिकल आती है, तो उसके कारण जो है टेम्परेचर में कहीं कहीं गर्मी और कहीं ठंडक होती है। जो एटमॉस्फेयर का पूरा जो सराउंडिंग एरिया है जो चारों तरफ से कवर होता है उसे जो है एटमॉस्फेयर का सरफेस एरिया कहा जाता है। टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी कम होता है और एयर राइजेस अपवर्ड एट द टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे जैसे अपन एटमॉस्फेयर में हाइट पे जाते जाएंगे उसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जाता है। हीटिंग अप ऑफ एयर जो है गर्मी है एयर में किस प्रकार होती है, जो है थ्री वेज में होती है, तीन प्रकार की होती है। अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर गेट हीट हीटेड अप ड्यू टू सोलर आइसोलेशन, जो ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर में हम जाते हैं और हीट होती है उसे सोलर आइसोलेशन कहा जाता है, या गर्मी का जो है सौर विकिरण या हीट टेम्परेचर अपन कह सकते हैं। जब एटमॉस्फेयर जो है हॉट सरफेस के संपर्क में आता है, गर्म क्षेत्र के संपर्क में आता है, तो एटमॉस्फेयर जो है वहाँ का गर्म हो जाता है और जो लोअर पार्ट रहता है एटमॉस्फेयर का उसमें क्या होता है, कुछ प्लेसेस में एयर जो है कोल्ड रहती है, जब वो हल्की हो जाती है तो ऊपर की ओर मूव कर जाती है और वहाँ से जो है इस प्रक्रिया को जो है अपन जो है संवहन क्रिया कहते हैं या कॉल्ड द कन्वेंशन कहा जाता है। मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे मापा जाता है, टेम्परेचर को मापने के लिए एक थर्मामीटर होता है, जैसा कि ये पिक्चर में दिया हुआ है थर्मामीटर है, इसमें टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में होता है।
इसमें जो है डिग्री में शो किया जाता है, और आजकल इसे सेल्सियस में भी और सेंटीग्रेड में भी शो किया जाता है। ये जो है थर्मामीटर है, इससे टेम्परेचर मापा जाता है कि कहाँ कितना है क्या है, और इसमें जो है मर्क्यूरी भरा हुआ होता है जो टेम्परेचर के लेवल को, इसमें नंबर भी दिए हुए हैं कितना टेम्परेचर हाई है लो है वो सब बताता है। सेंटीग्रेड थर्मामीटर, सेंटीग्रेड थर्मामीटर क्या होता है? ए साइंटिस्ट कॉल्ड सेल्सियस इन्वेंटेड सेंटीग्रेड थर्मामीटर। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है सेल्सियस थे, उन्होंने जो इसका इन्वेंशन की थी, इसलिए इसे सेंटीग्रेड थर्मामीटर कहा जाता है। इसमें जो है फ्रीजन पॉइंट जो होता है वाटर का, उसे 0 डिग्री में पानी जो है बिल्कुल जम जाता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी जो है बॉयल हो जाता है, उबल जाता है। यहाँ पे टू इसके स्टेट्स दिए थर्मामीटर के, एक तो मैक्सिमम वाला होता है, एक मिनिमम होता है। मैक्सिमम वो होता है जहाँ टेम्परेचर के जो है डल रेंज होती है, जो टेम्परेचर में अंतर आता है, चेंज होता रहता है, तो उसे डल रेंज कहा जाता है। और एक एवरेज टेम्परेचर होता है जहाँ पर कि मिनिमम टेम्परेचर होता है, इस प्रकार से उसे टेम्परेचर का डिवीज़न किया गया है मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे जो फैक्टर्स दिए हैं वो 4 टाइप के हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। द एंगल मेड बाय द सन रेज, सूर्य से जो है रेज आती है वो किस ओर उनका झुकाव होता है, किस प्रकार का एंगल होता है, उससे टेम्परेचर में चेंज होता है। अर्थ जो है एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों ओर रहता है, पूरा जो सराउंडिंग एरिया होता है उसमें होता है, और जो सन की रेज है स्ट्रेट आती है और कभी घुमी हुई आती है, स्पेरिकल होती है, टर्न होती हुई आती है, पोल्स पे अलग तरह से आती है, और साइड के जो पृष्ठ होता है अर्थ का वहाँ पे अलग प्रकार से जो है सन की रेज आती है। तो इस कारण से जो है शॉर्ट एरिया कवर करती है तो वहाँ पे हीट रहती है, और जहाँ पे क्या होता है तिरछी गिरती है तो वहाँ पे पावर जो थोड़ा कम हो जाता है, इस प्रकार से जो है हीट और सन की रेज जो है पहुँचती है। सेकंड है डिस्टेंस ट्रेवलिंग ट्रेवल्ड बाय द सेन सन रेज इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सूर्य की किरणें किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है उसके बारे में बताया जाए। वर्टिकल रेज जो होती है, वर्टिकल मीन्स जो स्ट्रेट ऊपर से नीचे की ओर आती है वो रेज होती है, वो डायरेक्ट जो है सीधी गिरती है, लॉन्गर डिस्टेंस लंबी डिस्टेंस को कवर करते हुए आती है। रेज जो है जितनी हाइट से आती है वो उतनी ज़्यादा है फैलती है, और उतने ज़्यादा प्लेस को है वो गर्म करती है। यहाँ पे बताया है कि जो वर्टिकल रेज है वो गिरती है, और ये हॉरिजॉन्टल जो कि तिरछी होकर के गिरती है, किस प्रकार से रेज आती है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से हाइट किस प्रकार से होती है उसके बारे में जानेंगे। समुद्र से जो ऊंचाई होती जाती है, जब हम हायर सी लेवल से ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता जाता है, गिरता जाता है। टेम्परेचर जो गिरता है वो जो है नॉर्मली अपन देखें 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब डाउन होता है, 165 मीटर जब हम उसकी हाइट पे पहुंच जाते हैं, 165 मीटर की जैसे ही रेंज अपन ने कवर करी, ऊपर की साइड अपन गए, वहां से 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द डे, डे का जो ड्यूरेशन है, दिन की जो टाइम पीरियड है वो किस प्रकार का होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली, जब सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर डायरेक्ट आती है तो वह कितने टाइम के लिए होती है दिन में, उस पर डिपेंड करता है। जब ज़्यादा टाइम तक सूर्य की किरणें हमारे यहाँ पर आती है तो दिन बड़ा होता है और गर्मी भी ज़्यादा रहती है, और अगर शॉर्ट टाइम के लिए आती है तो क्या होता है कि कम समय गर्मी रहती है बाकी समय ठंडा रहता है। समर में जो है डेज बड़े होते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें जो है अर्थ पे ज़्यादा समय तक होती है। इसमें अपन ने जो देखा वो ये है कि द हीट प्रेजेंट एट द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेम्परेचर, जो वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में जो हीट रहती है उसे टेम्परेचर कहा जाता है। द एटमॉस्फेयर हीटेड बाय द सन, जो एटमॉस्फेयर को गर्मी है वो सन के द्वारा मिलती है। द हीट रेडिएटेड बाय द सन इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन, सूर्य के तापमान में जो चेंज होता है वो सोलर रेडिएशन के कारण होता है। हीट रेडिएटेड बैक बाय द अर्थ इज कॉल्ड टेरिस्ट्रियल रेडिएशन, जो है पृथ्वी पर जो टेम्परेचर चेंज होता रहता है, गर्मी कम या ज़्यादा होती है, वो टेरिस्ट्रियल रेडिएशन के कारण होता है, मीन्स जो पृथ्वी पर विकिरण होता है उसके कारण होता है।
द एयर इज हीटेड अप बाय, जो एयर की हीट है वो फोर टाइप से होती है या चार प्रकार से क्रियाएं होती है उनकी, एक आइसोलेशन, रेडिएशन और कन्वेक्शन टाइप की होती है। द अमाउंट ऑफ द हीट रिसीव्ड ऑन द अर्थ, एंगल ऑफ सन्स रेज, ड्यूरेशन डे, हाइट फ्रॉम द सी लेवल एंड द थिकनेस ऑफ द एटमोसफियर, पृथ्वी के ऊपर जो है सूर्य के किरणों का झुकाव जिस टाइप होता है तो दिन की अवधि में अलग होता है, समुद्र तल से उसकी हाइट भी है वो अलग होती है, वायुमंडल की चौड़ाई पर या वहाँ की जो थिकनेस है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, अब आपको जो है इस चैप्टर की वर्कशीट दी जा रही है जो कि आपको अपनी फेयर कॉपी सोशल की उसमें नोट करना है। टेम्परेचर प्लस चैप्टर 9 है, मीनिंग राइज, वृद्धि, विंड, हवा, वर्टिकल खड़ी लाइनें जो होती है खड़ा होता है, हॉरिजॉन्टल क्षितिज में स्टेडी होती है, टेम्परेचर तापमान, हीट गर्मी, रेडिएशन विकिरण, ड्यूरेशन मिस अवधि, एक टाइम पीरियड जो होता है उसको बोलते हैं। एक्सरसाइज चूज द करेक्ट, द टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट द हाइट ऑफ, कितनी हाइट पे 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम होता है तो 165 मीटर पर जो है 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है। द प्रोसेस ऑफ राइजिंग अप ऑफ द एयर आफ्टर हीटिंग इज नोन एज, जब हम हाइट पर पहुंच जाते हैं ऊपर की ओर उड़ते हैं तो जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो रेडिएशन कहा जाता है, विकिरण कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, द हीट रेडिएटेड बाय द सन इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन, सूर्य से जो किरणें प्राप्त होती है या गर्मी प्राप्त होती है सोलर रेडिएशन कहा जाता है, सोलर ऊर्जा कहा जाता है। द हीट री रेडिएटेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड टेरिस्ट्रियल रेडिएशन, अर्थ से जो रेडिएशन प्राप्त होता है या विकिरण प्राप्त होती है उसे जो टेरिस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज नोन एज, जो अंतर होता है मिनिमम टेम्परेचर में और मैक्सिमम टेम्परेचर में उसे ड्यूरनल रेंज टेम्परेचर कहा जाता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है या तापमान क्या है। द हीट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर में जो गर्मी होती है उसे जो है टेम्परेचर कहा जाता है। व्हाट आर द 3 प्रोसेसेस बाय विच एयर इज हीटेड, ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं होती है पृथ्वी पे जो ताप को जो है, 3 प्रक्रियाओं के नाम बताइए जो वायु को गर्म करती है। देयर आर 3 प्रोसेस बाय एयर इज हीटेड, 3 प्रक्रियाएं जो कि एयर को गर्म करती है, आइसोलेशन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलर आइसोलेशन एंड द टेरिस्ट्रियल रेडिएशन, टेरिस्ट्रियल रेडिएशन और सोलर आइसोलेशन में क्या डिफरेंस है। सोलर आइसोलेशन, द हीट रेडिएशन बाय द सन इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन, सूर्य से जो हमें रेज प्राप्त होती है उसे सोलर आइसोलेशन कहा जाता है या गर्मी जो प्राप्त होती है उसे कहा जाता है। टेरिस्ट्रियल रेडिएशन, द हीट रेडिएटेड बैक बाय द अर्थ इज कॉल्ड टेरिस्ट्रियल रेडिएशन, पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें हैं वो कितनी फैलाव में होती है, कितनी विकिरित होती है उसे टेरिस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच अफेक्ट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो फॉलोइंग फैक्टर्स आर द अफेक्टिंग द टेम्परेचर, ये हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द एंगल मेड बाय द सन रेज, सूर्य की किरणें जो आती है वो किस एंगल से आती है वो प्रभावित करती है। द रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर जनरली स्ट्रेट बट ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ इट इज रीचेज डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट एंगल, सूर्य की किरणें वैसे तो डायरेक्ट आती है लेकिन पृथ्वी क्या है, स्पेरिकल है, घूमी शेप उसका चेंज है, इस कारण से अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग एंगल से सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सन रेज इन द एटमोसफियर, जो डिस्टेंस है एक दूरी है वो सूर्य से कितनी दूरी पर रेज जो है एटमोसफियर में पहुंचती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द वर्टिकल रेज हैव टू पास थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस वेयर एज द सैलेंट रेज हैव टू प्रोसेस थ्रू ए लॉन्गर डिस्टेंस, जो वर्टिकल रेज होती है
वो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करके तिरछी जो है यहाँ पर गिरती है, और दूसरी जो रेज है वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हुए पहुँचती है। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से हाइट कितनी होती है, कितनी ऊंचाई पर होती है। एज वी मूव हायर फ्रॉम द सी लेवल, जैसे जैसे अपन सी लेवल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, द टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर जो है डाउन होता जाता है, गिरता जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द डे, डे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका समय कितनी है या कितने टाइम तक दिन रहता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द डे, किस अमाउंट में जो है अर्थ पे सूर्य की किरणें आ रही है और कितने समय तक रहती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एक्सप्लेन एन ऑर्डिनरी थर्मामीटर बाय द आइसोलेशंस, जो है ताप, साधारण ताप मापी जो है थर्मामीटर है उसका चित्र बनाइए और उसके बारे में बताइए। द इंस्ट्रूमेंट यूज द मेजर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मामीटर, जिस ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि टेम्परेचर को नापा जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। द मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर को मापा जाता है वो सेंटीग्रेड में मापा जाता है। ये थर्मामीटर का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, जैसा कि आपको भी अपनी कॉपी में बनाना है। इसमें यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं कितना टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे ड्राई है और यहाँ पे वेट है, दोनों में अपने को टेम्परेचर बताना है कि कितनी डिग्री टेम्परेचर है, गर्म है कि ठंडा है, कैसा है, वो आपको ड्रॉ करना है। थैंक यू।